हरबंदा ने हाल ही में अपना 30वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया। उन्होंने इस दौरान खुलासा किया कि वो मलेरिया जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। साथ ही उन्होंने एक सेल्फी भी शेयर की जिसमें उनकी हालत देखकर ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो बीमार हैं। कीर्ति ने लिखा, हेलो, ये मेरा मलेरिया वाला चेहरा है। हाय दुनिया, ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए है क्योंकि मुझे जल्द ही काम पर वापस जाना है। अपने फैंस के नाम एक प्यारा सा पोस्ट शेयर करते हुए कीर्ति ने लिखा, मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगी और आपको अपडेट देती रहूंगी। कीर्ति खरबंदा आगे लिखती है कि वो सभी जो मेरी हालत देखकर चिंतित हैं, उन्हें आग्रह है कि प्लीज टेंशन ना ले, मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगी, थोड़ा तो समय लगेगा। आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस पोस्ट के जरिए कीर्ति अपने फैंस को ये भी कहती हुई नजर आ रही है कि मैं आराम करके बोर हो रही हूँ, प्लीज मेरे साथ फनी मीम्स शेयर करिए और मेरे पास फिलहाल कुछ करने के लिए है ही नहीं। कीर्ति खरबंदा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में काम पर लौटने का मतलब बताया है। कीर्ति की अगली फिल्म 14 फेरे है जिसकी शूटिंग जल्द ही शुरू होने वाली है। इस फिल्म में कीर्ति के साथ विक्रांत मैसी मुख्य किरदार में नजर आएंगे। फिल्म का प्रीमियर अगले साल 9 जुलाई में किया जाएगा। कीर्ति खरबंदा को हाल ही में तैश में दमदार रोल में दिखाया गया था। इस फिल्म में उनके बॉयफ्रेंड पुलकित सम्राट, हर्षवर्धन राणे, संजीदा शेख और जिम सर्भ भी मुख्य किरदार में नजर आए थे। कीर्ति खरबंदा ने अपना बॉलीवुड डेब्यू राज रिपोर्ट से किया था और वीरे की वेडिंग, पागलपंदी, मेरी शादी में जरूर आना जैसी फिल्मों में अपनी शानदार एक्टिंग से अपनी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग बना चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेक्स्ट 9 न्यूज़।